आज हम इस वीडियो में पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में कुछ तत्वों के आधार से जानेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम मनुष्य कहां से आए और हमारे पूर्वज कौन थे? चलिए जानते हैं। वास्तव में मनुष्य और जीव जंतु एक ही बीज की उपज हैं। उदाहरण के तौर पर, एक बीज के अंकुरण से अरबों वर्षों में एक वृक्ष बना। इस वृक्ष की लाखों शाखाएं निकली। हम मनुष्य इन्हीं शाखाओं में से एक हैं। बाकी जानवर इन शाखाओं का ही हिस्सा हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति या विकास का करोड़ों वर्षों का इतिहास है। पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा अफ्रीका की धरती को प्रथम मानव या हमारे पूर्वजों की भूमि माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराने मानव कंकाल यहीं मिले थे। इन कंकालों के 35 लाख साल पुराने होने का दावा किया जाता है। विश्व में मिले विभिन्न स्थानों के मानव कंकालों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मनुष्य की पहली श्रेणी, जिसे एस्ट्रोलोपैथिक्स कहा जाता है, अफ्रीका में ही मिले थे। वे हमारे सबसे पहले पूर्वज माने जाते हैं। यहाँ लूसी नाम की एक मादा कंकाल मिली थी, जिसे मदर ऑफ मैन कहा जाता है। होमो इरेक्टस, ये प्रारंभिक मानव अफ्रीका सहित एशिया और यूरोप में मिले थे। ये मानव दो पैरों से सीधे चलते थे। पुरातत्व विज्ञानियों का दावा है कि होमो इरेक्टस ने आग का आविष्कार किया था। नियांडरथल, वे अफ्रीका सहित एशिया और यूरोप में मिले हैं। नियांडरथल सबसे पहले मृतकों को दफनाने वाले थे। होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्य के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। होमो सेपियंस दुनिया में हर जगह मिले थे। माना जाता है कि भारत के महाराष्ट्र में बौरी नामक स्थान पर होमो सेपियंस के कंकाल 14 लाख साल पुराने हैं। होमो सेपियंस को छोड़कर बाकी सभी प्रजातियां विलुप्त हो गई। हम कह सकते हैं कि आधुनिक मानव या हम होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित हैं। लाखों वर्षों में होमो सेपियंस के शारीरिक और मानसिक विकास को आगे 3 युगों में वर्गीकृत किया गया है। द पैलियोलिथिक एज, ये मनुष्य गुफाओं में रहते थे। इन्हें कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। ये मानव शिकार करके भोजन उपलब्ध करते थे। रॉक स्टोन का उपयोग शिकार के लिए हथियार के रूप में किया जाता है। मैसोलिथिक एज, इस काल में जलवायु गर्म और सूखा था। इस काल के लोगों ने मछली पकड़ना सीख लिया था। शिकार के लिए पत्थर को तेज किया जाता था और हड्डी के सिरे पर बांधकर हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। न्यूलिथिक एज, इस काल का मनुष्य पत्थरों को तराशने लगा था। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी। पहिए का आविष्कार भी इसी काल के मानव ने किया था। इसी काल में कुत्ता, बकरी और भेड़ जैसे पालतू जानवर रखे गए थे। दीवारों पर बने चित्र इसी काल के माने जाते हैं। होमो सेपियंस यानी आदि मनुष्यों के पास रहने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं था। उन्हें जहाँ भी खाना मिलता वो वहाँ चले जाते। धीरे धीरे मानव एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा और आसपास से भोजन एकत्रित कर वापस अपने स्थान पर आ जाते। धीरे धीरे ये झुंड में रहने लगे और झुंड में शिकार करने लगे, जिससे सुरक्षा बढ़ गई। बाद में ये समूह जनजातियों में विकसित हुए और पूर्वी वैदिक काल की शुरुआत हुई।